देखिए आज हम नया एक चैप्टर करने जा रहे हैं और ये पूरा जो का पूरा चैप्टर जो बेस्ड है कृष्णामूर्ति पर बेस्ड है और कृष्णामूर्ति पद्धति के माध्यम से आप कृष्ण कुंडली बनाना जानेंगे। भारतीय ज्योतिष में भी कृष्ण कुंडली का काफी वर्णन होता है। भारतीय ज्योतिष के अंदर भी हर क्वेश्चन की अलग अलग कृष्ण कुंडलियां बनती है, परंतु कृष्णामूर्ति पद्धति में हर क्वेश्चन वाइज अलग अलग कुंडली नहीं बनती है, वहां एक उपनक्षत्र के नंबर के अनुसार एक कुंडली बनती है। हमारा ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 16 चैप्टर नंबर है और चैप्टर का नाम है कृष्ण कुंडली हॉररी चार्ट अकॉर्डिंग टू केपी। ये कृष्णामूर्ति पद्धति के अनुसार है और कृष्णामूर्ति पद्धति के अनुसार कैसे हम कृष्ण कुंडली बनाएंगे ये जानना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर क्या वर्णित क्या किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है या उसे अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम की हमें आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति का यदि डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है तो आप ज्यादा उसे फोर्स ना करें, ज्यादातर यूज करें और अगर मान लो टाइम भी उसे अपना डेट ऑफ बर्थ ईयर पता है और टाइम नहीं पता है, ऐसी कंडीशन में भी हमें उन चीज से उसकी जन्म कुंडली से डाटा नहीं निकालना चाहिए, वो गलत आने की संभावना है ज्यादा। उस चीज को कंप्लीट करने के लिए हमें कृष्ण कुंडली का सहारा लेना चाहिए और ये 100% एक्यूरेट डाटा आता है क्योंकि कृष्ण कुंडली वर्तमान समय में चल रहे ग्रहों की पोजीशन के अनुसार उस व्यक्ति के माइंड्स पर एक छाप जो रहती है वो उन्हीं चीजों को डिफाइन करता है। अब ये कृष्ण जो कुंडली है ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी होती है और केपी के अंदर भी होती है। जो भारतीय ज्योतिष है उसके अंदर भी ये है, ठीक, और केपी के अंदर भी है। दोनों में डिफरेंस ये है, भारतीय ज्योतिष में कृष्ण कुंडली जो हम लगाते हैं जिसे हम जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उस जिस समय वर्तमान समय में चल रही लगन होती है उस लगन को ही हम कृष्ण कुंडली मान लेते हैं। इसमें यहाँ प्रॉब्लम ये है क्योंकि यदि मान लो एक लगन आप सभी को पता है 1 घंटे 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक होती है, अप्रोक्सीमेट 2 घंटे की होती है और उस लगन के अंदर ही 2-3 व्यक्ति आ जाए तो वो चेंज नहीं होगी, जिसके कारण क्वेश्चनों की जो है दिक्कत आएगी बताने। परंतु कृष्णामूर्ति पद्धति के अनुसार हमें यहाँ आए हुए व्यक्ति से एक नंबर लेना पड़ता है, जो नंबर्स है वो वही नंबर है 1 to 249 और ये 249 नंबर्स कहाँ से आए हैं, ये वही से आए हैं। 27 आप नक्षत्र पढ़ चुके हैं, ठीक, 9 आप ग्रह पढ़ चुके हैं और 6 जो है ये संधि वाले नक्षत्र जो होते हैं यूनिवर्सल टेबल्स में, तो अगली पिछली राशि में जाते हैं। तभी तो जोड़ोगे आप 243 प्लस 6 249 से कंप्लीट नंबर आ जाएंगे, ठीक। अब सिंपल इसको बनाना कैसे होता है, जो भी व्यक्ति आया है आपके पास सबसे पहले ये वे नंबर कोई भी एक हम नंबर लेते हैं, ठीक, मान लो हमने ले लिया 81 नंबर। अब नंबर जो हमने लिया है सिर्फ इसके अलावा हमें एक प्लेस स्थान कौन सा लेना है ये ध्यान रखना। मान लो कोई व्यक्ति फोन पर भी अगर आपसे पूछता है कृष्ण कुंडली या कोई भी चीज तो आपको एस्ट्रोलॉजर का प्लेस लेना है। एस्ट्रोलॉजर प्लेस, एस्ट्रोलॉजर प्लेस का मतलब है जहां एस्ट्रोलॉजर स्वयं बैठा है वो प्लेस लेना है, ना कि जो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है वो लेना है। भारतीय ज्योतिष में उल्टा हो जाता है, जो क्वेश्चन कर रहा है वो कहां बैठा है उसका प्लेस लेना, यहां एस्ट्रोलॉजर स्वयं कहां बैठा है उसका प्लेस लेना, ठीक, और एक नंबर लेना, ठीक। अब आप सभी लोग यूनिवर्सल प्रश्न कृष्णामूर्ति पद्धति में प्रश्न कुंडली बनाने के लिए हमें यूनिवर्सल टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। यूनिवर्सल टेबल आप ओपन करिए, आप यूनिवर्सल टेबल जब आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे आपके सामने एक नंबर्स लिखे हैं काउंटिंग्स जिन्हें मैं सब लॉर्ड बोलता हूं, सब लॉर्ड नंबर। अब आप देखिए 81 नंबर्स कहां आ रहा है, 81 नंबर्स का सब लॉर्ड क्या हो गया, ये जो नंबर लिया है उसका सब लॉर्ड कौन हो गया जी, SL कौन है, राहु, राहु, हाँ जी आ रहा है। अब आप ये देखिए 81 नंबर कौन सी राशि के अंदर आ रहा है, अब आपने जो व्यक्ति ने नंबर दिया है सिंपल कौन सी राशि डाल देनी लगन में, 5, 6, 7 डाल दी, ठीक।
अब आपने देखना है जो 81 नंबर का एसएल प्लेनेट है उसका नाम है राहु, मिल गया ठीक। अब ये कर्क राशि में है, चार्ट आपके सामने बन चुका है। अब जो वर्ड है वो ध्यान से सुनना, आगे कृष्ण कुंडली को बनाने के लिए हमें वर्तमान समय में चल रहे प्लेनेट्स की आवश्यकता होती है। तो कृष्ण कुंडली का तो सीधा सीधा मतलब ही ये होता है वर्तमान समय में चल रहे प्लेनेट्स की क्या आवश्यकता है, वो जरूरत है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 81 नंबर्स के जो कर्क राशि बना देनी है और वर्तमान समय में जो प्लेनेट जहां चल रहा है उसको आपने फिल कर देना है। इसके लिए आपको पहले से ही गोचर का बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आज आपको पता है शनि कहाँ चल रहा है आजकल, धनुराशि, ये सैटर्न हो गया। जुपिटर कहाँ चल रहा है, वृश्चिक में। सन कहाँ चल रहा है आजकल, सूर्य कहाँ चल रहा है, मकर में। वेरी गुड, ये सन चल रहा है। इस हिसाब से आपने थोड़ी थोड़ी रिफिल कर देनी है। ये हमें सूर्य धनु में चल रहा है, आ जाएगा मकर में 14 तारीख को, 14 तारीख या सूर्य धनु में चल रहा है, ध्यान रख दीजिए, ठीक है ना, सूर्य धनु में चल रहा है। इसी प्रकार आप सारे डाटा को देख सकते हैं। चंद्रमा कहाँ है आज का, मीन राशि में है, मून यहाँ पे चला हुआ है मीन राशि के अंदर, मंगल भी मीन में, मंगल भी मार्स भी मीन में है और मरकरी भी धनु में होगा। सूर्य बुध और शनि नौ में है, सूर्य मरकरी रा, सूर्य बुध शनि और दो एक और कौन सा रहेगा, राहु कहाँ का, राहु चौथे में है कर्क में, हो गए कम्प्लीट। वीनस शुक्र रह गया, शुक्र है अपना, शुक्र आठवें पे है, ये आपकी कुंडली बन गई। अब इस कुंडली से बनाने का फायदा क्या हुआ, देखिए 81 नंबर का सवलोड़ता राहु, इसका क्या महत्व है, क्यों लिया, ये क्या इससे क्या आया, क्या नहीं, क्या नहीं आया, इससे कुंडली बनी। ये वर्तमान समय में इस नंबर के अकॉर्डिंग कुंडली होती है, वो जहां नंबर जहां राशि में एग्जिस्ट कर रहा होता नंबर उसको डाल देते हैं लग्न में, और जो वर्तमान समय में ग्रह होते हैं उनको हम यहाँ देख देते हैं। अब आपके सामने विदाउट DOB एक कुंडली तैयार हो गई, तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं थी और एक नंबर से ही कुंडली का निर्माण हुआ। अब आप उसी पैनल पे पहुंच चुके हैं जहां से आप अपने क्वेश्चनों के आंसर देंगे, कि ये कुंडली आपके सामने आ चुकी है और इस कुंडली के अकॉर्डिंगली आप आपको फेवरेबल अनफेवरेबल जो नंबर है या क्या हमें उसके बारे में डिस्क्राइब करना है वो बताना है। जब आपके पास ये कुंडली आ जाएगी तो इसमें जो रूल लगेंगे कृष्ण कुंडली पर, जो भी रूल लगेगा चाहे वो लग्न कुंडली हो और चाहे कृष्ण कुंडली हो, मैं एक जो भी रूल अब तक करवाए गए हैं सेम रूल इस पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण कुंडली के रूल अलग हैं और जन्म कुंडली के रूल अलग हैं, दोनों के दोनों रूल सेम हैं, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट रूल है, ठीक। भारतीय ज्योतिष में कृष्ण कुंडली के रूल अलग लिखवाए जाते हैं, मतलब जितना बता दिया आपको लग्न कुंडली है वो पूरे एडिटेज नहीं लगते हैं, उनके लिए हम अलग रूल लिखवाते हैं। यहाँ आपके सामने कृष्ण कुंडली का जो चैप्टर है वो इतना सा ही है कि कृष्ण कुंडली बनती कैसे बस, और आप नक्षत्र कोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ नहीं करना, और अभी आपके पास उसमें IIZ टूल के अंदर यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला है हॉरोस्कोप, दूसरा हॉररी है, तीसरा रूलिंग प्लेनेट है, चौथा विनियन फाइंडर। आप हॉररी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो अपने आप खुलेगी, एक पॉपअप आइकन खोलेगा, आइकन खोलने के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपसे एक नंबर मांगेगा, गिव एन नंबर, वहां आपने नंबर डालना है। नंबर किससे लेना होता है, जो सामने व्यक्ति जिससे स्क्रीन पर टाइम नहीं पता है, आपने कोई डाटा निकालना है उससे नंबर लेना है, या नंबर रिफिल करेंगे आप ओके करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली सप्ताह नंबर बन के बाहर आ जाए। इस तरह से प्रश्न कुंडली बनती है और इसको हम यूज करते हैं, ठीक है जी। अब इस प्रश्न कुंडली से बनाने का फायदा क्या मिला, ये मिला आपको बड़ा क्लियर करूं, आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं था तो आप किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रेशराइज ना करें और ना ही उससे कोई जरूरी है कि आप डेट ऑफ बर्थ टाइम की उम्मीद करें, हो सकता है गलत ही हो, इसलिए आप हमेशा कृष्ण कुंडली से ही ज्यादा व्यक्तियों के आंसर दें, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है आपकी एक्यूरेसी बढ़ने की, क्योंकि ये तो वर्तमान समय के अकॉर्डिंग आ गई ना, और इसका ओवरऑल रिजल्ट जो निकल के आएगा वो एक्यूरेट इसलिए होगा क्योंकि उसमें टाइम होने की गलती ज्यादा है, इसमें टाइम होने की गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस समय आया है उस समय की ही कुंडली आपने लगानी है, उतना टाइम वहां पे लिख देना है, क्योंकि वो क्या नंबर मांग रहा है, टाइम मांगेगा एंड प्लेस मांगेगा,
ये है, इस हिसाब से आपको अपनी पृष्ठभूमि बनाए। ठीक है, ये एक छोटा सा ही अभी इसमें डिस्कशन चैप्टर था कि समझाने के लिए पृष्ठभूमि कैसे वर्क करती है, इसको आप करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 है और इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है दशा भुक्ति। ठीक, दशा भुक्ति, और इसमें जो कंटेंट है, पहला कंटेंट है महादशा, दूसरा कंटेंट है इसमें डी और बी दशा भुक्ति के अनुसार जन्म कुंडली का फलित ज्ञान, और महादशा में कौन सी महादशा कितने समय की होती है, वो हमें क्या दर्द देती है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। और इसमें एक चैप्टर और है कि डी एंड पी, मतलब दशा भुक्ति की समयावधि, ये तीन चैप्टर इसके अंदर आप कवर करेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर का नाम है दशा, दशा निर्माण कह सकते हैं, दशा भुक्ति अवधि कह सकते हैं, महादशा कह सकते हैं। और सबसे पहले आप लोग हर चीज पढ़ते ही हैं कि सबसे पहले पूछते हैं कि किस चीज की महादशा चल रही है, कौन सी दशाएं चल रही है, तो वो बीबी टोटल दशाएं हमारी, अब आगे हम इस चैप्टर के अंदर जो बताएंगे, टोटल हमारी पांच प्रकार की दशाएं होती हैं। कौन कौन सी दशाएं होती हैं? पांच टाइप की दशाएं। पहली दशा का नाम है बी, इसको बोलते हैं महादशा। ठीक है, बी, बी लोग भुक्ति के लिए बोलते हैं महादशा, और कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं, देखो बी बी ए, महादशा, अंतरदशा, पितृदशा। ठीक, तो बी हो गया महादशा, अंतरदशा, अंतरदशा। ठीक, थर्ड बी बी ए, महादशा, अंतरदशा, अगली होती है प्र ते ये आदि ने ते रे, प्रत्यंतर दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। फिर आती है चार नंबर पर प्राणदशा, सूक्ष्म, बी बी ए, पी ए। फिर आती है प्राणदशा, फिर आती है सूक्ष्म दशा, सूक्ष्म दशा, फिर प्राणदशा। पांच दशाएं होती है हमारे जीवन। अब सबसे पहले देखेंगे महादशा। महादशा जो होती है वो टोटल, महादशा का दूसरा नाम है विनसूत्री दशा, ये बिल्कुल विनसूत्री, विनसूत्री महादशा। और विनसूत्री महादशा टोटल 120 ईयर की होती है। विनसूत्री महादशा टोटल कितने समय की होती है? 120 20 ईयर की होती है। ठीक, अब इसमें लिखिए सबसे पहले कि शुक्र चे से, आप सबको पता होना चाहिए केतु की महादशा कितने साल की होती है, ये इसमें एक सीरीज ऑर्डर है, बता देता हूँ आपको। सबसे ये जो टोटल जो विनसूत्री महादशा है, समझिए जो विनसूत्री महादशा है वो टोटल कितने साल की होती है? 120 वर्ष की होती है। ठीक है, और इसी के आधार पर ही, 120 वर्षों के आधार पर ही हमने, कृष्णमूर्ति पति ने सभी चीजों को यूज किया है। मोस्ट एक्यूरेट किसी चीज को माना है तो विनसूत्री महादशा को माना है। और भी दशाएं होती हैं, विनसूत्री महादशा होती है, एक अष्टोत्तरी महादशा होती है 108 साल की, ये पहाड़ी इलाकों में यूज होती है। एक योगिनी दशा होती है 36 साल की, भारतीय ज्योतिष का महादशा के साथ योगिनी दशा को भी लोग देखते हैं। अष्टोत्तरी महादशा हो गई, योगिनी महादशा हो गई, चर दशा भी होती है, चर दशा। ठीक, चर और शिथिर दशा, ये दशाएं भी होती है। इस प्रकार बहुत सारी दशाएं होती है, आपको कोई यूज नहीं करनी, सिर्फ एक यूज करनी है, विनसूत्री महादशा 120 साल। अब केतु को कितने साल दिए हैं? 7। ठीक, 6 नहीं 7, केतु यहाँ 7 साल की महादशा होती है पूरी, केतु कंप्लीट। ठीक, 7 साल में वो अपनी अवधि पूरी करता है, 7 सालों के अंदर वो महादशा में रहता है। केतु के बाद सूर्य कितने साल का होता है? शुक्र, शुक्र हो गया अपना 20 साल, 20 ईयर के। ठीक, सूर्य कितना हो गया? 6 ईयर के। चंद्रमा कितना हो गया? 10 साल, 10 ईयर, 10। मंगल कितना हो गया? 7 साल के, 7 साल के लिए। राहु? राहु 18 साल के। और गुरु? गुरु 16 साल के लिए होता है, 16 के। और शनि? 19, शनि हो गया 19 साल के लिए। और बुध जो हमारा हो गया 17, बुध हो गया 17 साल के। एक बार देख लो, इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन है वो यहाँ है। बुध 17 साल है, शनि 19 साल के लिए होता है, गुरु 16 साल के लिए होता है, और राहु 18 साल के लिए होता है। ये तीनों बड़े हैं,
बाकी याद हो जाएगा मंगल सात तो विराट केतु और मंगल की परिभाषा है, चंद्रमा दस के लिए होगा, सूर्य छह के लिए होगा, शुक्र बीस के लिए होगा, सबसे ज्यादा शुक्र को टाइम पीरियड दिया गया है। अब इसका टोटल योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। ये हमारे पास एक महादशा का वर्णन आया। अब महादशा के अंदर ही अब एक एक दशा को चलाना पड़ता है। दूसरी दशा क्या नाम है? अंतर दशा। तो ये तो आपकी डी हो गई। अब बी को कैसे यूज करेंगे, मुक्ति दशा को कैसे यूज करेंगे? अब देखिए, मान लीजिए इनमें से ये एक महादशा किसी को चल रही है, मान लो हमने केतु की ही मान ली, ठीक, तो सबसे पहले केतु में केतु आएगा, ठीक, यहाँ केतु, केतु में केतु के बाद क्या आएगा? शुक्र आएगा, फिर केतु में क्या आएगा? सूर्य। इस तरह से ये सीरीज, इधर तो केतु ही रहेगा और ये पूरी की पूरी दोबारा रिपीट हो जाएगी। छ में ये पूरा सब ये केतु ही है, ठीक, तो केतु में केतु, केतु में शुक्र, केतु में सूर्य, केतु में चंद्रमा, ये इस तरीके से आप इन चीजों को निकालोगे। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये कितने समय के लिए है, ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला है मुक्ति निकालने के लिए, दशा गुना दशा डिवाइडेड बाय 10 और दशमलव के बाद वाली डिजिट एनी टाइप एक्स वाई जेड उसको मल्टीप्लाई बाय 3। ये है ना फॉर्मूला। आइए, दशा इंटू दशा डिवाइड बाय 10 डेसिमल के बाद 3 से मल्टीप्लाई। और कैसे, मान लो आपने कोई एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई भी चीज निकाल ली है। आप मान लो क्या निकालना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो केतु के अंदर हम सूर्य निकालना चाह रहे हैं, ठीक, केतु कितने साल का होता है? सात। तो फॉर्मूला क्या है, दशा इंटू दशा डिवाइड बाय 10। केतु की दशा कितने साल की है? सात। सूर्य की 6 डिवाइड बाय कितना हो गया? 42 बाय डिवाइड 4.2, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 4.22। दशमलव के बाद जो डिजिट होती है, दशमलव के बाद जो भी डिजिट उसे मल्टीप्लाई बाय 3, 600 डे। ये जो पहला आया ये आया मंथ, 4 मंथ 6 डे, ठीक, क्लियर होगी बात? कोई भी निकाल लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे आप राहु में शनि निकाल के दिखाइए, राहु में शनि की निकालिए, राहु में सैटर्न की अंतरदशा कितने समय के लिए होगी बताइए, पूरा बताओ। अच्छा, पूरा राहु में शनि की अंतरदशा, सेम फॉर्मूला, दशा इंटू दशा डिवाइड बाय 10 खत्म। कितनी देर खाने लगी? राहु की महादशा कितने साल की होती है? 18। सैटर्न की 19 डिवाइड बाय 18 × 19 कितना हो गया? 342। 342 342 आया। 342 को डिवाइड कर दो 10 से, 34.2। 34 महीने और 6 डेज आ गए। महीनों को ईयर में कन्वर्ट करो, 2-3 महीनों को ईयर में कन्वर्ट करो, 2 साल 24 में 14 महीने 6 दिन आ गई, हो गया क्लियर? 2 साल 10 महीने 6 दिन क्लियर हो गया बात? तो ये हो गई आपकी अंतरदशा, ठीक है, अंतरदशा निकालने का ये फॉर्मूला। अब प्रत्यंतरदशा, प्रत्यंतरदशा कैसे निकालेंगे? अब देखिए प्रत्यंतर को निकालने का तरीका, बोलो फटाफट, केतु की दशा कितने साल की होगी? 7। शुक्र की 20, सूर्य की 6, चंद्रमा की 10, मंगल की 7, राहु की 18, गुरु की 16, शनि की 19, बुध की 17। बी निकालने का फॉर्मूला, बी निकालने का फॉर्मूला ये है, बी का ये दे रखा है। अब निकाल रहे ए, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा, 7 × 2.7 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अच्छा, यहाँ आपके डेज निकलते चले जाएंगे, आउटपुट में क्या आएगा? डेज। तो मैं आपसे पूछूं अंतरदशा केतु में, केतु में केतु की कितने समय की रहेगी बताओ? केतु, अब आपसे मैं पता केतु में क्या पूछ रहा हूँ, मतलब केतु में केतु में केतु पूछ रहा हूँ, समझ गए ना? ये डी है, ये बी है, ये ए है, डी भी निकालेंगे फिर उसको ए से डायरेक्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आपको सीधा फॉर्मूला दे दिया ना मैंने, ए निकालने का फॉर्मूला कितने डेज की आएगी? 7 × 2.7 मल्टीप्लाई करो, करो 7 × 2 = 18 9 केतु में 18 दिन, बिल्कुल 10 × 2.7 ये अपने डेज आएंगे। ये महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी महादशा कितने समय अवधि की है, अंतरदशा कैसे निकालते हैं, प्रत्यंतर कैसे निकालते हैं।
प्राण सूक्ष्म मक्खी अभी आपको जरूरत नहीं है, वो बहुत बारीक है, घंटे मिनट में आती है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए अभी उनको ना समझे। सिर्फ अभी आपने कहां तक वर्क करना है, डी बी एंड ए यहां तक वर्क करना है, क्लियर। तो अब आप अपने ये मादसाओं को समझ लिया आपने, ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत लोग पूछते हैं, कौन से व्यक्ति को कौन सी महादशा मिलेगी, ये कैसे पता चलेगा, कौन सा व्यक्ति का जो जन्म हुआ है या कोई भी कुंडली जब आप बनाओगे, ये कैसे डिसाइडेड हो कि मैं तो कहूंगा शुक्र की मिलेगी ना, तो मैं सूर्य की बताऊंगा, तो ये कैसे पता चले कि इस व्यक्ति को दशा कौन सी मिलेगी, किसी व्यक्ति को कौन सी दशा मिलेगी, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए चंद्रमा कहां बैठा हुआ है। चंद्रमा एक राशि में कितने दिन रहता है, 16 दिन। एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं, राशि के अंदर कितने होते हैं, 14 नक्षत्र होते हैं। और चंद्रमा, और चंद्रमा एक नक्षत्र पर कितनी देर रहता है, कितने रहता है, 24 घंटे। 24 घंटे डेली एक नक्षत्र में चलता है। तो हर बच्चे का जब जन्म होता है तो डेली एक नक्षत्र होता है, तो हमें ये देखना होगा मून स्टार लॉर्ड कौन है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पर बैठा होता है वो उसको क्या मिलेगी, दशा। मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है कौन से, चंद्रमा किसके नक्षत्र पर बैठा हुआ, मान लो केतु के ऊपर बैठा हुआ है, उस केतु की महादशा मिलेगी, तो केतु साल वही सीधी चलेगी एज इट इज। मान लो चंद्रमा बैठा चंद्रमा के नक्षत्र पर, ठीक, तो चंद्रमा से अगली महादशा किसकी होती है, मंगल की, मंगल की, फिर उसे अगला मंगल मिल जाएगा, ये बात आ रही है समझ। और मान लो उसको राहु की मिली तो राहु साया कौन सी आएगी, बृहस्पति, वही सीरीज चलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि राहु 18 साल के लिए मिला है, अब मान लो जिस समय उसका जन्म हुआ राहु 10 डिग्री चल चुका है, एक राशि में कितनी डिग्रियां होती है टोटल, 10 चल चुका है तो 20 रह गई, तो 18 साल को कैसे, जो भी आप पूरा साल मानेंगे, मान लो 18 साल को कितने डिग्री इक्वल मान लिया, 30 साल के, तो 30 को 18 से डिवाइड कर लो, ठीक, 30 को 18 से डिवाइड करने में कितना आ गया, 18 और कितने बच गए, 12 और 120 और 18 से डिवाइड करो इसको, 18 छक्के 8 6 48 18 6 48 4 8 6 6 4 10 108 लगभग 1.6 के आसपास एक डिग्री इक्वल आ रही है हमारी। मैं क्यों निकाल रहा हूं, इसलिए निकाल रहा हूं, आपसे ना बैलेंस दशा पूछेंगे लोग कि मेरी कौन सी दशा बैलेंस रहेगी, कितने साल की रहेगी, अगर वो 10 डिग्री पार कर चुका है, समझ रहे हो, तो उतने उसके ईयर निकल जाएंगे, 1.6 ईयर निकल गए, 1.6 ईयर इंटू 10 ये कर देंगे, उतने ईयर निकल गए, जितने बच गए उसके रह जाएंगे, समझ रहे ना। पूछते हैं कि आपने देखा होगा पेपर पे, पहले पेपर पे लिखा आता है कि भाई राहु की दशा बैलेंस है 5 ईयर 3 मंथ 2 डेज 12 डेज ऐसे लिखा था। वो कैसे बैलेंस, कैसे, पर जितनी जा चुकी है, जितने डिग्री पास हो चुके हैं वो हमारे खत्म हो चुके हैं, जितने बच गए उसको 30 से डिवाइड, मतलब 30 डिग्री में से माइनस कर देते हैं, उस हिसाब से हम इसकी बैलेंस दशा निकालते हैं, ठीक है, वो सब आपको वहां इजिली दिखा मिलेगा। तो सबसे पहले क्या क्या चीज आपने पढ़ी है दशा के अंदर, महादशा पढ़िए, महादशा कितने समय की कौन सी होती है, अंतरदशा का फॉर्मूला देखा, प्रत्यंतर का देखा, महादशाओं के अनुसार आपको क्या क्या 120 वर्ष होती है, किस व्यक्ति कौन सी दशा मिलेगी जो चंद्रमा जैसे नक्षत्र पर बैठा हो, ठीक, वो उसको दशा मिल जाए, ओके। अब आता है सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर इसके अंदर कि भाई इन दशाओं का, इन दशाओं के अकॉर्डिंग हम अपनी कुंडली का फलित कैसे करेंगे। तो चैप्टर का नाम है दशा भुक्ति के अनुसार फलित ज्ञान, दशा भुक्ति के अनुसार फलित ज्ञान, मतलब आप इन दशाओं को जन्म कुंडली पे लगाकर या कृष्ण कुंडली पे लगाकर कैसे सामने वाले व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्ट कर पाएंगे। लिखिए इसके, दशा भुक्ति अंतरा दिनों के हिसाब से भविष्यवाणी करने में मदद होते हैं, जो भी हमारा BBA है ये दिनों के हिसाब से भविष्यवाणी करने में हमारी मदद करते हैं, और वर्तमान समय का गोचर, और वर्तमान समय का गोचर हमें घंटे मिनट तक, वर्तमान समय का गोचर हमें घंटे मिनट तक की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। आगे लिखिए, कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती है, कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती है, छोटी से छोटी घटना ग्रहों के गोचर का परिणाम है। अब यहां पर
जो हम दशाभुक्ति पढ़ रहे हैं भाई, ये डीबीए, ये तो हमें कुछ समय का टाइम इंटरवल बता दिया, ये महादशा अंतर हमें उसमें टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं कुछ दिनों के लिए, परंतु हमें कुछ छोटी से छोटी घटना के बारे में जानना है तो साथ में हमें गोचर को भी जानना होगा। वही बता रहा हूं, ये बड़ी घटना के बारे में बताता है, ये मिनट सेकंड के बारे में भी बताता है। अब कोई भी घटना अपने आप नहीं होती, उसका कहीं ना कहीं रोल दशा में भी आएगा और गोचर उसको कंप्लीट करने में योग बनेगा। मतलब यहां पर वो अगर सो हो रही है, ठीक, वो कब होगी, कौन से टाइम ड्यूरेशन में होगी, वो गोचर बताएगा। ठीक, आपने बता दिया कोई दुर्घटना होगी, तो इस साल कोई दुर्घटना होगी, साल आपने बता दिया, पर उस साल के महीनों घटनाओं में कब होगी वो हमें गोचर बताएगा। अब लिखिए इसमें और आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपको कोल्ड फीवर खांसी जुकाम भी होता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रहों के गोचर का महत्व होता है। आप अपनी अपनी आपकी कोई भी लगन हो सकती है, आपके लगन का स्वामी, आपके लगन का स्वामी जो आपका लग्न लॉर्ड है, यदि वो जल तत्व राशि से गोचर कर रहा है, और ध्यान से समझो जल तत्व राशि कौन कौन से होती है, चरण, ठीक, अग्नि तत्व कौन कौन से होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, दो, छह, वायु, तीन, ठीक है। आपका लगन का स्वामी जो भी आपका असेंडेंट है, यदि वो जल तत्व राशि से जा रहा है, ये बात पूरी नहीं हुई है, जल तत्व से जा रहा है तो छोटा मोटा कोई सिम्टम हो सकता है, ठीक है, छोटे मोटे जुकाम हो, कुछ नहीं, नथिंग, हो जाएगा ठीक। और अब ध्यान से देखना मैंने क्या आपको पकड़ लिया है, लग्न लॉर्ड, लगन का लॉर्ड, लगन का स्वामी, साथ में स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके लगन का स्वामी गोचर में देखना है, ये गोचर में जल तत्व राशि से जा रहा है, और इन दोनों में से कोई भी एक सबलॉर्ड या सबलॉर्ड इन स्टार, ठीक, वो यदि 6-12 को इंडिकेट कर रहा है तो आप उस समय बीमार हो जाएंगे तुरंत। आज से आप चालू करके देख लेना, फॉर्मूला आने शुरू हो गए, बहुत सिंपल सा है, आपके घर में कौन बीमार होने वाला है आपको खुद पता होना चाहिए, ये बीमार होने वाला है। फॉर्मूला क्या है, लगन का स्वामी, आपका लगन का असेंडेंट कौन है, यदि वो जल तत्व राशि से जा रहा है तो जुखाम होगा, 159 से अग्नि तत्व से जा रहा है तो फीवर होगा, वायु तत्व से जा रहा है तो कोई कोल्ड वायु प्रकार के रोग, शनि कुकुष्णता, खाल पटना, होठ फटना, बालों में ड्राइनेस आना, ये सब होगा। और साथ साथ 6 बार को इंडिकेट जरूर करना चाहिए, रीजन 6 इज रोग, 12 इज हॉस्पिटलाइजेशन, सिंपल, क्लियर हो गई बात। अब देखो यही से फॉर्मूले बन रहा है दूसरा भी, एक और 6 बार है तो मैंने क्या कर दिया, रोक कर दिया, और मैं इसको गलती से 6-8 बार कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, रोग, एक्सीडेंट एंड हॉस्पिटल, ठीक, रोग, एक्सीडेंट एंड हॉस्पिटल, ठीक। और अब पूछने लगे कोई भी सही कब होगा, 159 आ जाए या 1511 आ जाए, जब ये ठीक हो जाएगा रोग बीमारी रिकवरी, ये रिकवरी हो रोग, फॉर्मूला सीधा सिंपल सा है, अब याद रहना चाहिए। और अब आपको खांसी होनी है, जुकाम होना है, फीवर होना है, अब आप कल से अपने आप देख सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, लगन का स्वामी कौन सी गोचर में, ध्यान रखना ऐसे नहीं कहां चल रहा, गोचर में कौन सी राशि में चल रहा है, और हमारा स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड, आप सिंपल स्टार सब के चक्कर में पड़े, आपका ओनली सब लॉर्ड, चलो खत्म तुम्हारे लिए, और सिंपल कर दिया, तुम्हारा सब लॉर्ड का स्वामी यदि 6 बार को इंडिकेट कर रहा हो तो आप बीमार हो जाएंगे तुरंत, नहीं कर रहा है तो नहीं होंगे, चाहे वो फिर उनसे चल रहा हो, ये जरूरी है इनके सिग्निफिकेटर को सिग्निफाई करना, कोई दिक्कत यहां तक, अभी कल से नोट करके रखना, फॉर्मूला अपने बनाने शुरू कर देना। अब आगे लिखो, यदि आपको अचानक त्वचा की बीमारी या कोई लंबी बीमारी होने का चांस है, कोई त्वचा या लंबी बीमारी होने का चांस है, तो आपके लगन के स्वामी के साथ राहु का गोचर चल रहा होता है। मतलब अब आप देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप अगर इतना डीप समझ रहे हैं, देखो ये तो आपकी लगन कुंडली है,
ये गोचर कुंडली है, ठीक, ये लगन कुंडली है, गोचर कुंडली, मैं लगन कुंडली, अब लगन क्यों पकड़ रहा हूँ, सेल्फ होता है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा, देखो कितना सिंपल है इसको समझना, ये कठिन नहीं है, लोगों ने इतना भारी भरकम बना रखा है इसको कभी नहीं समझा पाएंगे। मैं अब लगन की बात कर रहा हूँ, तो लगन कौन है, सेल्फ, आप कब बीमार हो रहे हैं, कब सही हो रहे हैं, कब क्या हो रहा है, ये तो देखोगे अपने बारे में। लगन कौन सी है, लगन कौन सी है, उसका सब लॉर्ड कौन है और सिग्निफिकेटर, तीन ही चीजों देख रहा हूं बार बार। अब कैसे देख रहा हूं, ध्यान से देखना, लगन का स्वामी गोचर में कौन सी राशि में जा रहा है, लगन का स्वामी गोचर में कौन सी राशि में जा रहा है, अग्नि तत्व प्रतिनिधि जा रहा है, ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। अब सब लॉर्ड किसका देखना है, लगन का, लगन का सब लॉर्ड, लगन का सब लॉर्ड यदि क्या सिग्निफाई करे, 6-8-12। अब मान लो किसी का परमानेंट सिग्निफाई कर रहा होता है, भाई यहां तो हमारे मान लो किसी का सब, तो हम ये से भी तो कहते हैं जन्म बीमारी रहेगा। अब ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये लगन का सब लॉर्ड जो भी है एक्स वाई जेड, ठीक है, गोचर कुंडली में, गोचर कुंडली में, गोचर कुंडली में किन नंबरों को सिग्निफाई कर रहा है ये देखना होगा, ठीक है, तो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। अब मान लो मैं धन की स्थिति जानना चाहता हूं अपने बारे में, तो ये तो मेरी परमानेंट हो गई, ये तो मेरी परमानेंट हो गई, वर्तमान समय कौन बताता है, गोचर, तो सेकंड हाउस का सब लॉर्ड, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड गोचर कुंडली में क्या सिग्निफाई कर रहा है वो वर्तमान समय पता चल जाएगा, मैं खराब है सही हूं, समझ गए। अब आज से गोचर इतना इजी हो गया सर, सिग्निफाई मतलब कि इसमें नंबर, नंबर इंडिकेट कर रहा है, क्या क्या नंबर, नंबर इंडिकेट कर रहा है, कौन से नंबर को इंडिकेट कर रहा है, इसके लिए आपको गोचर कुंडली वहां बनी मिलती है, ठीक है। सिग्निफाई करने का क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा, मान लो मेरे यहाँ 5-6-7-8-9 इस तरह से नंबर आ रहे हैं, मैं सेकंड हाउस, मैंने देखा सेकंड हाउस में मान लो यहाँ 8 नंबर है, 9, मैं देखूंगा धनु का स्वामी गुरु, गुरु कहाँ चल रहा है गोचर में, गुरु चल रहा है मान लो ये चल रहा जो है चौथे नंबर में, चौथे भाव से गुजर रहा है, राशि कौन सी पड़ी है उसमें, वृश्चिक पड़ी, वृश्चिक कैसी होती है, जलता, ठीक है। अब सेकंड हाउस का या जो भी जिस भाव के बारे में जान रहे हैं, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड लिखिए, पूरा स्टेप बनाना है, सेकंड हाउस सब लॉर्ड कौन हो गया मेरा, गुरु, मान लो मेरा नहीं कोई भी सब लॉर्ड ले लो मेरा मंगल हो गया, मार्स हो गया, ठीक है। अब ये मार्स क्या इंडिकेट कर रहा है, भाई ये तो हमारा परमानेंट कर ही रहा होगा, कुंडली बना होगा, तो ये तो फिक्स है, तो आपके उसको बताया कि आप लेके आए हो, गोचर ये बताएगा वर्तमान क्या चल रहा है, तो मंगल मार्स हमारी इन कुंडलियों के अंदर कौन कौन से भाव का सिग्निफिकेटर है और कहां बैठा हुआ है। और एक और फॉर्मूला बता देता हूं, मंगल वर्तमान समय में किस नक्षत्र पर चल रहा है, किस नक्षत्र पर, मतलब जुपिटर पर चल रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख लीजिए बस, खाली मंगल की राशि लिख ली आपने और जुपिटर की राशि लिख ली और कहां बैठा है, इनको इंडिकेट करेगा वो, बस खत्म, ये हुआ लगता है। भाई कौन सी राशि कहां पड़ी है, कहां बैठा है, तीन ही तो पॉइंट आते हैं, इन एंड वॉन, इन मायने बैठा कहां है, स्वामी कहां का है, तो तीन इसके आ गए, तीन इसके आ गए, बस खत्म। इनमें यदि कहीं 6-8 आ जाए, 6-12 तो गलत कर देगा। अब मान लो किसी का 2-6 आ जाए, वर्तमान समय 2-6 आ जाए, अब कह दोगे यार तेरे पास तो पैसा आने वाला तुरंत अभी, समझ गए। तो आप हर भाव के बारे में आज से खुद जान सकते हो कि मेरा कौन सा भाव पॉजिटिव हो रहा है, कौन सा नेगेटिव हो रहा है, समझ गए, ये प्रैक्टिकल करना है, समझ गए। अब इसको और बढ़ाइए आगे, दशा भुक्ति के अनुसार ये हम क्या कर रहे हैं, फलित कर रहे हैं, और प्लस में गोचर को भी हमने इन्वॉल्व कर लिया इस चक्र में, ठीक। तो इसको बोलेंगे कैसे, दशा भुक्ति के अनुसार गोचर फलित, ये बोलना है। अब आगे पढ़िए इसी में, आपको अचानक त्वचा वाली बीमारी होगी तो आपके लगन के स्वामी के साथ राहु युति कर रहा होगा, लिख पाएगा ना, या लगन का सब लॉर्ड, लगन का सब लॉर्ड राहु का नक्षत्र होगा, राहु किस नक्षत्र में बैठा है गोचर में, वो हो सकता है, तो भी हमें बीमारी हो सकती है। तो इस प्रकार से मतलब जनरली इस प्रकार से आपको ये हर भाव के बारे में डेफिनेशन मिल जाएगी, इसमें पूरा लिखा है, पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे लिखिए, अपने जीवन की घटनाओं को खोजने के लिए, अब देखो उसने क्या बोला है, अपने जीवन की घटनाओं को खोजने के लिए हमें भाव के कष्ट के अनुसार जानकारी लेनी चाहिए। तो सीधी सी बात, 1-12 भाव हम क्या बताते हैं, जीवन की घटना, और वर्तमान समय की घटना कौन बताएगा, भोजन, क्लियर है। अब मोटे मोटे भाव में आपको सबको पता है, पहला भाव जो हमारा सेल्फ सफलता है, हमारा सेल्फ है, सेकंड हमारा धन है, तीसरा हमारा भाव संचार है, चौथा संपत्ति खरीदना है, पांचवा भाव हमारा एजुकेशन शिक्षा और इंटेलिजेंसशिप का है, छठा भाव हमारा प्रेम बीमारियों के लिए, सातवां वैवाहिक साझेदारी के लिए, आठवां दुर्घटना मानसिक पीड़ा के लिए, नौवां धार्मिक कल्याण मंदिर
गतिविधियों के लिए, दसवां हमारा व्यापारिक नौकरी संबंधित मामलों से, ग्यारहवां लाभ भाव है, और बारहवां हमारा नुकसान अस्पताल विदेश यात्रा। ये फिक्स हो गए, ठीक। ये अब हमें जीवन की घटनाएं बताएंगे। अब इसमें आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, लिखो मत, ये सब बुक आपके पास है, ध्यान से समझना, चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी, ध्यान से सुनो और बुक खुल लो सारे लोग। यदि कोई ग्रह जिस भाव के ऊपर से गोचर करता है तो उसी भाव के अनुसार फल देता है। ये हर लाइन का मीनिंग ध्यान से समझना। कोई ग्रह, कोई भी ग्रह जिस भाव के ऊपर से गोचर करता है उसी भाव के अनुसार फल देता है। सबको समझ आए? मान लो आजकल गुरु कहाँ चल रहा है? चौथे भाव, वृश्चिक राशि, चौथे भाव, वृश्चिक राशि, ठीक। तो चौथे भाव के अनुसार रिजल्ट देगा। अब वो उस भाव के लिए अच्छा है बुरा है वो तुम्हें मैंने नहीं लिखवाए थे, कौन सा भाव बुरा होता है कौन सा अच्छा होता है। गोचर में ज्यादातर 3, 6, 11 अच्छे होते हैं ज्यादातर, क्योंकि बृहस्पति के लिए अलग फॉर्मूला है, 5, 7, 9 and 11 ये इसके लिए अच्छा है, 1, ठीक। अब क्या लाइन है इसका मतलब, यदि कोई ग्रह जिस भाव के ऊपर से गोचर कर रहा होता है तो उस भाव के अनुसार फल देगा। सिंपल उदाहरण के लिए समझना, जब भी चंद्रमा नक्षत्र बृहस्पति के उप नक्षत्र या बृहस्पति चंद्रमा के पर या चंद्रमा उप नक्षत्र गोचर होता है, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति कोई कुंडली ली हुई है हमने, उसमें 2-11 भाव का सूचक है। समझो ध्यान से, अब सिंपल सा फंडामेंटल क्या है, कोई भी कुंडली ले रखी होगी, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब हम कोई भी धन भाव की बात कर रहे हैं, ठीक है, धन प्राप्ति होगी या नहीं होगी। अब हमें ये देखना है गोचर में नौवें सेकंड हाउस से, नौवीं राशि से कोई ग्रह जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस समय यहां से शनि जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए शनि जा रहा है, और हम किसकी बात करते हैं, वर्तमान समय। वर्तमान समय में शनि ऊपर से गुजर रहा है तो हमें क्या देखना होगा, शनि का भाव, समझ गए कौन से भाव से जा रहा है, शनि किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है और शनि का इस समय उप नक्षत्र कौन सा है। ये देख लिया सबने, गोचर में देख लेंगे, सबको पता है, गोचर कुंडली खोलेंगे वहां से सबको पता चल जाएगा शनि कौन से भाव से गुजर रहा है, शनि का नक्षत्र कौन सा है, शनि कौन से उप नक्षत्र बैठा है। मान लीजिए शनि इस समय गोचर कुंडली में दूसरे भाव से गुजर रहा है, शनि राहु के नक्षत्र पर है, राहु बैठा है पांचवे में, ठीक है, शनि जो है शनि किसके नक्षत्र पर है, राहु के पर। अब राहु हमें ये देखना है हमारी जो जो जन्म कुंडली उसमें कौन से भाव में बैठा हुआ, जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली में हाँ पांचवें पर। शनि का उपनक्षत्र कौन है, मान लो मंगल, मंगल कहाँ बैठा हुआ, मान लो एक में। ये तो सिर्फ बैठने की पोजीशन हो गई, इसका इजीली फंडामेंटल जो मैंने तुम्हें पहले बताया था वो ज्यादा बेटर है। कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, इतना कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन भाषा में लिखा हुआ है। आपको धन देखना है तो किताब पूरी करनी थी वो इसलिए बता दिया है। आपको सिंपल कोई भी भाव देखना हो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जिस भाव के बारे में जान रहे हैं उसमें राशि कौन सी पड़ी है, राशि स्वामी, राशि स्वामी जिस भाव के जाने में उसका राशि स्वामी, उसका सब लॉर्ड, 2 पॉइंट ही छोड़ रहा हूं आपको, ठीक। राशि स्वामी किस राशि तत्व से गोचर कर रहा है ये जानना होगा। सेकेंड सब लॉर्ड मान लो एक्स वाई जेड है, मान लो मंगल है, कोई सब लॉर्ड हो सकता है, ये हमारी जन्म कुंडली से आया निकल के, ये मंगल गोचर कुंडली में, गोचर कुंडली में किस प्लेस किस नक्षत्र पर है ये देखना है। मान लो ये पंचम प्लेस पर है और इसका जो नक्षत्र स्वामी है, जो इसका नक्षत्र स्वामी है वो मान लो सातवें पर है, ठीक। अब इसके क्या निकालना है, ये तो इन आ रहे और निकालने कौन कौन से भाव का स्वामी, 6 प्लेनेट आपके सामने, 6 भाव है वो सिग्निफिकेटर बोले जाएंगे, क्लियर है। वो सिग्निफिकेटर यदि हमारे उस कंडीशंस को पूरा कर रहे होते हैं रूल्स को, तो रिजल्ट उस समय में मिल जाएगा। किसी भी भाव का रिजल्ट निकालने के लिए हमें गोचर कुंडली के बारे में पता होना चाहिए, गोचर कुंडली में हमारा लगन का स्वामी कहाँ चल रहा है, बस इतना पता, कौन सी तत्व राशि से जा रहा है, जो सब लॉर्ड है वो सब लॉर्ड कहाँ चल रहा है, ठीक, और कौन कौन से भाव का स्वामी। ये यहां तक गोचर की बात आपको मैंने अभी इस मोड़ पर 70% पढ़ाई है, क्योंकि अभी मैं एक स्टेप और करूंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग इस वीडियो को देखकर ऐसे क्वेश्चन जरूर करेंगे, वो ये बोलेंगे कि सर मान लो राशि स्वामी आपने बता दिया और लगन का स्वामी बता दिया, अब लगन के जो आप सब लॉर्ड देख रहे हो वो सब लॉर्ड
हमारी किसी भी गोचर कुंडली में तो सेम होगा। मेरा अगर आज मंगल किसी का राहु का चल रहा है तो आपका भी तो राहु चल रहा होगा। इन बातों के जवाब मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, अभी समझाने के लिए सिर्फ इतना ट्रिक तो आनी चाहिए ना आपको पहले, क्योंकि वहां मैं खुद कह रहा हूं कि सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। अब इंडिविजुअल में कैसे जाएगा वो अगले स्टेप में बताऊंगा। अभी सिर्फ क्या करना है, किसी भी भाव का रिजल्ट लेने के लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए, कोई भी भाव का स्वामी और सब लॉर्ड, वो गोचर में कहां चल रहे हैं, कौन कौन से भाव के स्वामी, बस बात खत्म। क्लियर हो गई? आइए अब आगे। टॉपिक था हमारा दशा भुक्ति के अनुसार फलित ज्ञान, ठीक है, मतलब महादशा अंतर दशा का फलित कैसे करेंगे, ठीक है। हमने वहां साथ में आपका गोचर को भी बताया गोचर कैसे होता है। मैं एक दशा ले रहा हूं सिंपल सी, और इसको बड़े सिंपल तरीके से समझना। मान लीजिए किसी को गुरु की महादशा है और मंगल की अंतरदशा है, ये हमें इसका रिजल्ट निकालना है कि भाई इस महादशा अंतरदशा में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। टॉपिक ये है ना दशा भुक्ति के अनुसार फलित ज्ञान, ठीक। किसी भी दशा और भुक्ति में हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो कैसे फाइंड आउट कर जाते हैं आप वो समझ लीजिए। मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई भी प्लैनेट की दशा है, गुरु में मंगल की महादशा है। अब ये गुरु की महादशा कितने साल की होती है, 16। और मंगल की अंतरदशा, गुरु में मंगल कितने अंतर हो गया इसका बताइए, करिए 16 × 7 / 10 कितना हो गया, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 4 = 11 / 10, 11 महीने 2 days, ये आ गई आपकी निकाल। अब आपको 11, अब आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हो, गुरु में मंगल मतलब 11 महीने 2 दिन के अंदर इस व्यक्ति को क्या क्या मिलेगा, इस महादशा अंतरदशा में क्या क्या घटेगा निकालेगा। तरीका ये है, गुरु में मंगल डी और बी, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे इनकी प्लेस क्या है, ये कहां बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, ठीक। गुरु और मंगल किस भाव में बैठे हुए हैं, भाव का 10% रिजल्ट होता है। अब आपको इनका ये देखना है ये किस स्टार लॉर्ड पर अर्थात नक्षत्र पर किसके बैठे हुए हैं। मान लो गुरु बैठा है शनि के पर, मंगल बैठा है आपका वीनस के पर, शुक्र। कोई भी दशा अपने रिजल्ट ओनली 10% देती है, जिस नक्षत्र पर वो बैठती है उसके पूरे के पूरे रिजल्ट देती है। कोई भी दशा अपने स्टार लॉर्ड के रिजल्ट देती है, समझ गए। तो ये गुरु किसके स्टार लॉर्ड पर बैठा हुआ है और मंगल किसके स्टार लॉर्ड पर बैठा हुआ है, ये हमें देखना होगा। अब कैसे प्लेस के 10% आ गए, अब आपको क्या देखना है, शनि के इन और वर्म देखने हैं, शनि कौन से भाव में है और कौन कौन से भाव का स्वामी। ऐसे ही शुक्र क्या है, इन एंड वर्म देखना है, कौन से भाव का स्वामी है, कहां बैठा हुआ है। यहां से जो भी हमारे डिजिट आए मतलब जो भी हमारे सिग्निफिकेटर आए उन सिग्निफिकेटरों के वो रिजल्ट देगा। बहुत सिंपल कर दिया इसको निकाल के। अब वो सिग्निफिकेटर आपको पता हो, अब आगे आगे जब रूल आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सीडेंट आ रहा है इसमें, या इसमें धन आ रहा है, या कोई मृत्युदायक कष्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आया। सिंपल सा, कोई भी दशा एक्स वाई जेड जहां खुद बैठी है उसके 10%, जिस स्टार लॉर्ड पर बैठी है उसके रिजल्ट मिलाकर देगी। बहुत सिंपल कर दिया, जिन भावों में बैठी है उन भावों का रिजल्ट देगी ही देगी, ठीक, सिंपल कर दिया। आगे जब इसको आप समझोगे फर्दर और डिटेलिंग में जाओगे जब और बारीकी से समझाई जाएंगी, अभी तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी दशा कैसे रिजल्ट देती है, कोई भी दशा अपने खुद के रिजल्ट देती है, जिस स्टार लॉर्ड पर बैठी है उसके रिजल्ट देगी। और बारीक जब जाएंगे तो साथ में उस दशा के समय पर गोचर को ऐड कर दिया जाता है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं, गुरु में शनि में मंगल की दशा है, ठीक, तो इस समय जो दशा चल रही है उस दशा के समय में आपका गोचर भी देखना जरूरी होता है कि गोचर क्या रिजल्ट दे रहा है। मान लो यहां पर 2 7 11 आ जाए किसी दशा में, अगर तो विवाह बोल लगे कि विवाहिक कंडीशन बनी हुई है, परंतु उसे पूरा चेक करने के लिए कि 100% विवाह इस दशा में होगा या नहीं होगा, तो हमें गोचर के पास भी जाना पड़ता है, ठीक, वही फॉर्मूला गोचर में। अब मान लो आपको दशा को डायरेक्ट गोचर में देखना है, जाके गुरु में मंगल की दशा को देखना है, ठीक, तो आपने गुरु देखेंगे और मंगल गोचर में कौन कौन से भाव से गुजर रहे हैं, पहले भाव नोट करेंगे कौन कौन से भाव से वो गुजर रहे हैं, उन भावों के लिखवाया था, और ये देखेंगे
गुरु और मतलब वर्तमान। देखो यहाँ तो ये स्टार जो लॉर्ड लिखा है ये कुंडली का लिखा है, यहाँ हम देखेंगे गोचर का स्टार लॉर्ड। गोचर का स्टार लॉर्ड कौन है, वो किन किन भावों का सिद्धिक, बस इतना सा आप अभी देखिए, सिंपल सिंपल तरीके बताएंगे। तो कोई भी एक्स वाई जेड दशा है वो अपने रिजल्ट देती है, जिस स्टार लॉर्ड जिस नक्षत्र पर बैठती है उसके रिजल्ट देती है, उनको कंबाइन करती है। और बारीक जाना है तो गोचर में देखिए कौन कौन से भाव की स्वामी है, किसके नक्षत्र पर बैठी, उनको कंबाइन। उन दोनों में वहां भी वो कॉमन आ जाए 2711 और यहां भी कॉमन आ जाए, समझिए वो 100% वो काम होगा आपका, क्या उस भाव से रिलेटेड वो काम होगा। ठीक, तो जो दशा रूपी फलित ज्ञान है इसको हम बड़े लेवल पे और एक्सटेंड नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे, पूरा आपका सिलेबस कर देंगे जब मैं आपको अलग अलग चैप्टरों के हिसाब से दशा फलित ज्ञान अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अभी सिर्फ चैप्टर के अकॉर्डिंगली इतना बताया जा रहा है कि चैप्टर के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज सिम्टम्स है। अभी इसको बहुत बड़े लेवल पे देखा जाएगा, क्योंकि क्या रह गया है, जैसे मान लो कोई दशा सूर्य में सूर्य है तो उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, या मान लो शुक्र में शनि है परंतु उनका नक्षत्र दोनों का सेम है तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो बड़ा लेवल आ जाएगा आपका उतने समय में, तो बड़े लेवल पे आप देखेंगे कि कौन सी सेम दशा में सेम अंतर में क्या रिजल्ट होता है, या सेम स्टार लॉर्ड अगर आ जाए तो क्या रिजल्ट होता है। ठीक, वो आपको मैं बाद में कराऊंगा दशा मुक्ति, फिर साथ में गोचर को एक साथ इनमें इंक्लूड करके कराएंगे, और एक टॉपिक और रह जाएगा दशा गोचर और हाँ कष्ट की प्रेडिक्शन को कैसे निकाला जाता है। अभी आपको बता दिए गए यही फॉर्मूले, बट और डिटेलिंग में हम अगले वीडियोस में आपको बताएंगे।